हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हबीब नुर्मागोमेदोव से रिलेटेड। एक न्यूज़ आई है जो कि उनके फैंस के लिए थोड़ा ये सैड होगी, बट जो हुआ है उस पूरे मामले को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन को जरूर दबा, ताकि आपके लिए मैं इसी तरह UFC और MMA की हिंदी में, उर्दू में आपके लिए इसी तरह न्यूज़ पहुँचाते रहूँ। फ्रेंड, रिसेंटली अभी हबीब ने एक पोस्ट किया है, स्टोरी रखी थी, उसमें एक जो उनका फैन क्लब का एक अकाउंट है जक हबीबा करके, तो उसमें उन्होंने मेंशन करके दिखाया है, उसमें लिखा है, वो जो मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको, मैं ट्रांसलेट रशिया में था, आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ मैं। हबीब डेडिकेटेड ऑलमोस्ट 30 ईयर्स टू स्पोर्ट, नाउ इट्स टाइम टू फॉर फैमिली। हबीब जो है लगभग 30 साल से इस डेडिकेटेड और MMA मिक्स मार्शल आर्ट से जुड़े हुए थे, और अब उनका टाइम आ गया है कुछ वक्त फैमिली को दिया जाए। फ्रेंड, वो पोस्ट मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो, बट वो रशिया में। फ्रेंड, तो अब जो है हबीब इस स्पोर्ट्स को छोड़ना चाहते हैं, इवन कोचिंग को भी, वो MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स को। अब कुछ समय वो अपने घर पे बिताना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, हबीब वो नाम है जो MMA दुनिया को रेसलिंग ग्रैपलिंग का एक नया ट्रेंड बताया कि किस तरह गेम रेसलिंग और ग्रेपलिंग पोटेंशियल कितना है। वो बंदा अपने टीम में इस्लाम माखाचेव, उस्मान, उमर, तागीर, सगीर, जगखमेव और इवन जुबैरा, सभी लोगों के साथ उस बंदे ने अपना, जब वो प्रैक्टिस करते थे एज अ फाइटर, तो खुद प्रैक्टिस करने के बाद 5 to 6 आवर्स, फिर उनके साथ भी प्रैक्टिस करते थे, उनकी फाइट में उनकी हेल्प भी करते थे, और फिर वो चैंपियन बने, फिर रिटायर हुए, उनके डैड की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद माँ अपनी मॉम से वो प्रॉमिस कर रहे थे कि इससे MMA को मैं छोड़ दूंगा, और उन्होंने छोड़ दिया वादे के मुताबिक, और अब वो कोचिंग कर रहे थे कुछ समय से। अब उसके बाद उन्होंने ये हिंट दिया है कि मैं MMA की दुनिया को कुछ समय के लिए छोड़ूंगा। इन्होंने परमानेंटली नहीं बोला कि मैं छोड़ दूंगा एकदम से, बट हो सकता है पॉसिबल हो कि 1-2 साल के लिए वो बाहर रहे। दोस्तों, हबीब ने बहुत कुछ किया है अपने टाइम से अब तक का। उन्होंने इस्लाम माखाचे को चैंपियन बना दिया है, उस्मान नुर्मागोमेदोव चैंपियन बन चुके हैं, और अभी उमर नुर्मागोमेदोव जो उनके कजिन है वो अभी लाइन में है, बट उन्हें कम से कम 4 से 5 मैच और लगेंगे वहां पहुंचने के लिए। तो हो सकता है वो उनके लिए थोड़ा हेल्प करे और 1-2 साल रुक जाए, पॉसिबल है, बट बोल नहीं सकते। बट उन्होंने इतना बता दिया है कि मैं रेस्ट करूंगा कुछ टाइम के लिए, और उनका EAGLE FC जो है वो इवेंट को भी आई थिंक वो कुछ टाइम के लिए अगर हट जाएंगे MMA से, तो शायद वो किसी और को, मैं भी हो सकता है कि इस्लाम माखाचेव या और कोई उनको हैंडल करे। जुब ऑलरेडी रिजवान जो है वो उनको हैंडल कर रहे हैं खबीब के साथ, बट हो सकता है वो आए भी तो सिर्फ प्रमोशनल के हिसाब से आए, और वो इवेंट को थोड़ा सा वो वेट करके लोगों के साथ रहे, ताकि वो प्रमोशन अच्छा हो और उनकी फाइट अच्छे चलते रहे EAGLE FC की, इसलिए आ सकते हैं। अब उन्होंने हिंट दिया फ्रेंड, अब ये जो बात है काफी इमोशनल है खबीब फैंस के लिए। मैं भी खबीब का बहुत बड़ा फैन हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से, जब भी से मैं उनको देख रहा हूँ, लगभग 5 से 6 साल से मैं उनका फैंस हो गया था। ऐसे काफी उनके फैन है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, जो उनके गेम के, उनके फाइटिंग स्टाइल से इम्प्रेस है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, खबीब जाएंगे तो आप कितना मिस करेंगे आप खबीब को, जब वो दिखेंगे नहीं उस पिक्चर में हमें, इस्लाम, ये उस्मान उमर लोग के साथ, जब वो ऑन ऑक्टागन में। तो आपको क्या लगता है जो खबीब है अभी कब अनाउंस कर सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है, आप अपने हिसाब से शेयर करके जरूर बताएं दोस्तों, कि कब तक वो यहाँ ऑक्टागन से दूर होंगे, MMA की दुनिया से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अपने थाउट शेयर करो, और जाते आते खबीब के नाम पे और UFC के नाम पे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, ताकि आपके लिए मैं इसी तरह पल पल की सारी न्यूज़ पहुंचाते रहूँ। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।